रूही से एक बार शादी कर लेगा तो आई थिंक उसकी लाइफ सॉर्ट हो जाएगी, उसका घर बस जाएगा। अचानक से ये होता है कि हम वेट कर रहे हैं कि कब आएगा अरमान, और हम देखते हैं कि बच्चे उसको लेने गए हैं। अरमान तुम्हारे सामने छुप छुप के ना जी, ये उसकी दूसरी शादी, वो किसी में ठीक है ठीक है। एंड विद्या, क्योंकि विद्या से वो बहुत प्यार करता है, वो माँ है, तो वो बहुत खुश है। हालांकि उनको शायद समझ में तो आ रहा है कि अरमान खुश नहीं है, बट शी थिंक्स कि अरमान रूही को बहुत प्यार करता था और रूही से एक बार शादी कर लेगा तो आई थिंक उसकी लाइफ सॉर्ट हो जाएगी, उसका घर बस जाएगा। ऑब्वियसली ही इज़ नॉट हैप्पी, क्योंकि वो अंदर से तो शादी करना नहीं चाहता, ही इज़ डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ मॉम। सो उनके खातिर वो आ गया है और जो हो रहा है बस वो होने दे रहा है, जस्ट कीप वॉचिंग इट। अचानक से ये होता है कि हम वेट कर रहे हैं कि कब आएगा अरमान, और हम देखते हैं कि बच्चे उसको लेने गए हैं कि आप आइए, इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन हमें अचानक से आवाज़ आती है कि वो आ गया, अरमान भैया आवाज़ आती है। तो हम देखते हैं कि उसने कपड़े नहीं पहने और वो भागते हुए नीचे आ रहा है और वो बाहर निकल जाता है। तो हम उसी में कश्मकश में हैं कि हो क्या गया इसे, अभी तक इसने क्यों नहीं कपड़े बदले हैं। फिर उसके बाद वो मेरा सीन होता है जहाँ मैं उसके पास जाती हूँ बुलाने के लिए, और फिर अब हम करेंगे कि वो आता है फिर, लेकिन हम देखते हैं कि वो खुश नहीं है, ना खुश है, लेकिन इन सारी चीज़ों को हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं बिकॉज़ हम चाहते हैं कि शादी अच्छे से हो। सो ये है अभी सिचुएशन।